हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज मैं आप सबके लिए एक नई अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ दैट इज़ अब मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ डाला करूँगी रिलेटेड टू साइकोलॉजी के कंसेप्ट ओनली Uh, जो कि आपको हो सकता है आपके एंट्रेंसेस में या फिर आपके बेसिक तैयारी करने में या फिर आपको बेसिक नॉलेज गेन करने में हेल्प करे सो फॉर एग्जांपल आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिसर्च क्या होती है बहुत ही बेसिक रहेगा आज तो टॉपिक uh, बट अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड हम रिसर्च क्या होती है उसका एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं आज सो so बेसिकली क्या रहता है कि जो टर्म है रिसर्च पहले हमें उसका डेरिवेशन देखना है जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं हमने जब आपने जब बेसिक पढ़ा होगा साइकोलॉजी का एलेवंथ में तब भी आपने डेफिनेशन पढ़ते हुए पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो आता कहाँ से है तो वैसे ही हम जब अगर हम रिसर्च जैसा टर्म पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है कि ये टर्म आता कहाँ से है सो so इसका जो ऑरिजिन है वो एक फ्रेंच वर्ड से है अब मुझे इसको प्रनाउंस करना नहीं आता है तो यस yes, अगर आप एक फ़्रेंच के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सिखाइए तो ये फ़्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब है टू सर्च एंड सर्च अगेन यानी कि हम बार बार किसी चीज़ की सर्च कर रहे हैं यानी कि हम अपनी सर्च को रिपीट कर रहे हैं तो हम इससे क्या समझते हैं रिसर्च अब अगर हमें बार बार किसी चीज़ पर रिसर्च करना पड़ रहा है इसका मतलब जो पहले जो पहले उसके ऊपर सर्च हुई हुई है वो एग्जॉस्टिव नहीं थी वो कम्प्लीट नहीं थी और स्टिल कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप रह गया है और कॉमन यूजेज में हम ये समझ सकते हैं कि रिसर्च हमारा एक परस्यूट है नॉलेज के लिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए दूसरों को नॉलेज देने के लिए बेसिकली नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हम सब के लिए नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो हमें क्या समझ आता है कि हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की सर्च कर रहे हैं और ये जो सर्च है वो कोई ऐसी रैंडम सर्च नहीं है कि जो हमने बस गूगल पे गए एंड हमने सर्च कर लिया कि भाई रिसर्च uh, का क्या मतलब होता है या स्टार्ट का क्या मतलब होता है या कोई भी ऐसे वर्ड का क्या मतलब होता है इट इज़ नॉट रिसर्च रिसर्च सिस्टमैटिक होती है प्रॉपर मेथोडोलॉजीज़ फॉलो होती हैं प्रॉपर मेथड्स फॉलो होते हैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो होती है कभी भी कुछ भी उठा के हम रैंडमली सर्च कर लेते हैं उसको रिसर्च नहीं बोला जाता है किसी भी गिवन एरिया पर किसी भी गिवन टॉपिक पर अगर हम सिस्टमेटिक अप्रोच से सर्च करें अगर हम मैथडोलॉजिकल मेथड्स लगाएं अगर uh, हम uh, एक हम प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करें उसी को रिसर्च कहा जाता है और ये एक आर्ट फॉर्म की तरह है जो कि साइंटिफिक है पूरा साइंस पे बेस्ड है एंड इन्वेस्टिगेटिव इसका नेचर है जैसे कभी भी क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन होती है तो कैसे बाल की खाल उखाड़ी जाती उखाड़ जाती है ये है ना वो अगर मैं इसको भी गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ठीक करना ये जो भी मुहावरा है तो एक तरीके से पूरा डेप्थ में जाया जाता है कि भाई किसने क्या किया होगा किसने किया होगा क्या रीज़न होगा जिस तरीके से पूरा क्राइम को सॉल्व किया जाता है वैसे ही एक रिसर्च करते हुए पूरा इन्वेस्टिगेशन टाइप किया जाता है भाई कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं क्या इंटिसिडेंट्स हो सकते हैं सब कुछ क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं तो एक रिसर्च में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाया जाता है नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिसर्च की ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाइए जाती है तो ये आपको पता होनी चाहिए ये डेफिनेशन दी थी कैलिंगर ने इन नाइनटीन एटी सिक्स और इनका कहना है कि रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ अचुरल फ़िनोमिना गाइडेड बाई थ्योरी एंड हाइपोथिस अबाउट द प्रज्यूम्ड रिलेशन अमंग सच फेनोमिना सो अब इसको ब्रेक करके अब हम समझने की कोशिश करते हैं इनका क्या मानना है कि रिसर्च एक तो सिस्टमैटिक है हम शुरुआत से यही बात कर रहे हैं कि रैंडमली कभी भी किसी सर्च को हम रिसर्च का नाम नहीं दे देते हैं बहुत ही सिस्टमेटिकली होती है रिसर्च कुछ मेथड्स फॉलो करके होती है रिसर्च कंट्रोल्ड होती है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आ, जो भी आप वेरिएबल्स ले रहे हो रिसर्च में बस आप रैंडमली स्टडी कर लेते हो फॉर इंस्टेंस कि अगर मुझे देखना है कि स्टडी आर्स का एग्जाम की परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है तो बस मैं रैंडमली शुरू नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपने फ्रेंड्स को पकड़ूँ और उनसे बोलूँ कि भाई तुम कितना घंटा पढ़ते हो अच्छा तुम चार घंटे पढ़ते हो अच्छा इसलिए तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं नो दिस इज़ नॉट द वे बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में सिस्टमैटिक मैनर में होती है रिसर्चे एंड एम्पेरिकली होती है यानी कि हम किसी थ्योरी पे बेस्ड कर रहे हैं या किसी हाइपोथेसिस पे बेस्ड अपनी रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं या फिर वो हम उसको ऑब्जर्वेबल अब्जर, है या वेरीफाइबल है ऐसा नहीं है कि बस मैंने कर दी अपनी रिसर्च और वो ख़त्म है आगे ये भी होना चाहिए कि वो रिसर्च एप्लीकेबल है या नहीं उसको कोई और वेरीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है ठीक है एंड साथ ही जैसे हमने बात किया कि एक ऐसी फॉर्म है जो इन्वेस्टिगेशनल है तो यहाँ पर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती है और ये किस चीज़ की हो रही है ये जो भी हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एम्पेरिकल क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ये किस चीज़ का हो रहा है रिसर्च में ये किसी भी नेचुरल फिनोमिना का हो रहा है जिसको गाइड कौन करता है कोई भी थ्योरी या हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या होता है कोई भी टेंटेटिव सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन किसी भी प्रॉब्लम का यानी कि फॉर एक्जाम्पल अगर हम अपना पहले वाला ये एग्जाम्पल लें कि स्टडी आज का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द एग्जाम परफॉर्मेंस ठीक है तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो सकता है अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर को रिव्यू करूँ ठीक है एंड एग्जाम्शन बेसिकली क्रिएट करना होता है तो अपना मैं एज़्यूम करूँ कि जिनका स्टडी आर्स ज़्यादा होंगे उनकी एग्जाम परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी तो ये एक तरीके से हमारी हाइपोतीस हो गई ठीक है या फिर कोई भी थ्योरी पे बेस्ड होता है तो यानी कि क्या हो रहा है किसी भी नेचुरल फिनोमिना की स्टडी हो रही है एक तरीके से और कौन गाइड कर रहा है कोई ना कोई थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी या फिर कोई ना कोई हाइपोथिसिस तो यानी कि सब कुछ जो है वो लॉजिकल मैनर में चल रहा है एंड किसके बारे में हो रहा है अबाउट प्रिज्यूम्ड रिलेशन अमंग सच फेनोना यानी कि जो भी फेनोमिना हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच के प्रज्यूम्ड रिलेशन यानी कि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग एजम्पन्स जो हमारी हैं बेसिकली उसको स्टडी कर रहे हैं कि हमने हमने कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बिठा रखा है ना कि हाँ स्टडी आज का इंपैक्ट होगा परफॉर्मेंस पर या नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप उनके बीच में है इस वजह से हमने उन दोनों वेरिएबल्स को साथ लिया है स्टडी करने के लिए और मैं अपनी हाईपोथिस भी क्रिएट कर रही हूं तो मैं ऐसी रैंडमली क्रिएट नहीं कर रही हूं मैं ऑलरेडी एक्सिस्टिंग लिटरेचर का रिव्यू कर रही हूं जिसके बेसिस पर मैं हाईपोथिस क्रिएट कर रही हूँ या फिर कोई ऑलरेडी एक्जिस्टिंग थ्योरी है जिसके बेसिस पर मैं वो रिसर्च कंडक्ट करना चाह रही हूँ So, अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो अब रिसर्च क्या है सिस्टमैटिक है लॉजिकल है और अनबायस्ड फॉर्म है नॉलेज का अनबायस्ड यानी कि ना मेरे यानी कि अगर एज अ रिसर्चर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो मेरे बायसेस बीच में नहीं आने चाहिए कि भाई मुझे लगता है कि स्टडी आर्स का इम्पैक्ट होता है इसीलिए मैंने रख दिया कि अपनी हाइपोथेसिस को इस तरीके से बनाया कि स्टडी आर्स का इम्पैक्ट होता है मैं अपने बायसेस को बीच में नहीं लाऊंगी मैं ऑलरेडी एक्जिटिंग लिटरेचर को रिव्यू करूंगी मैं ऑलरेडी एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को देखूंगी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग जो भी नॉलेज अवेलेबल है ठीक है जो भी आर्टिकल्स uh, अवेलेबल है जो भी रिसर्च अवेलेबल है सब कुछ को रिव्यू करूंगी और उनके बेसिस पर एक हाइपोथिस बनाऊंगी मैं अपने बायसेस को बीच में आने नहीं दे सकती हूँ साथ ही अब क्या हो रहा है हमारी रिसर्चर की एजम्पन को या फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है रिसर्च ठीक है या फिर वेरीफाई करती है कि हमारी क्या एजम्पन्स हैं क्या हमारे हाइपोथेसिस हैं हम उनको अब टेस्ट करते हैं या वेरीफाई करते हैं रिसर्च के थ्रू साइंटिफिक प्रोसीजर्स का यूजेज होता है यानी कि सैम्पलिंग होती है डेटा कलेक्शन हो रहा है डेटा का अनालिस हो रहा है ताकि उसमें से रिजल्ट निकाल के हम एक कंक्लूजन निकाल पाएँ जो भी हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बेसिस पर ठीक है यानी कि हम कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो हम बस ऐसे ही थोड़ी ना कर लेते हैं कि हमने बस देखा है दो तीन लोगों को एंड वो हो गया हमने उससे रिजल्ट निकाल लिया एंड उससे हमने कंक्लूजन जनरेट कर लिया नो प्रॉपर सैम्पलिंग होता है हमें प्रॉपर सैम्पल चाहिए होता है जो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे हम प्रॉपरली डेटा कलेक्शन करते हैं उसका डेटा कलेक्शन जो भी होगा उसका अनालिसिस होगा उससे रिजल्ट आएगा एंड देन हम उससे कंक्लूजन जनरेट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली तो अगर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लें तो हम ले सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे स्टडी करना हो कि इंटेलिजेंस का और साथ में कॉन्फिडेंस का सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या रिलेशन है तो इसके ऊपर मैं स्टडी कंडक्ट कर सकती हूँ है ना जिसमें हम दोनों वेरिएबल्स के बीच का को देख सकते हैं देन uh, किसी का हमें एटीट्यूड स्टडी करना हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टडी करने हो तो भी हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं जैसे कि अगर मुझे देखना हो कि स्टूडेंट्स के क्या एटीट्यूड्स रहते हैं एजुकेशन uh, की प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो हम उसके ऊपर कोई सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं दैन uh, बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट्स यूज होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज देखने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेज हम इंटेलिजेंस में देख सकते हैं और किसी ड्रग ट्रीट ड्रग का हमें इफ़ेक्ट देखना हो ट्रीटमेंट पे डिज़ीज़ के जैसे अब कोविड की वैक्सीन आई तो उस वैक्सीन के क्या ट्रीटमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है क्या प्रिवेंशन में फ़र्क पड़ रहा है कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है क्या उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए भी प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट की गई थी सो दैट इज़ इट फॉर आर टॉपिक Thanks for watching guys. Please make sure you like this video and comment down your views, anything that I can improve upon or um, any topic that you want me to cover and also share this video as much as possible. Upne sade psychology ke friends ke share kar do. and also I do take 11th and 12th ke tuition classes also um, online and offline both. So if you want more details, please comment down. Thank you.